हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपसे भी कामा यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपसे को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जीके का जो है, जीएस जीके का जो यहाँ पे डेली आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में भी जो है, आज के विषय वीडियो कुछ खास होने वाला है। इसलिए खास होने वाला है कि इसमें जीके का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर बेस, ये टोटल ही क्वेश्चन जो है साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि साइंस से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन के लिए आऊँ, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को जरूर एक बार देख के जाना, पेपर में आए तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। और नहीं छूटेगा भी, कम अगर वीडियो देख के जाते हैं, जितना भी टोटल मैं वीडियो डालू सारे वीडियो को अगर देख के जाते हैं तो आई एम श्योर कि आपका कुछ तो क्वेश्चन छूट सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए कि अभी हाल फिलहाल का जो पेपर हुआ था रेलवे स्टेट में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे कि एल्युमिनियम धातु जो ऑक्साइड है उसका पूछा गया था, चार ऑप्शन दिया गया था, ठीक है, कि इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इनमें से चार ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक बिंदु, मीन्स की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही, क्वथनांक यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पानी का जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो फ्रीजिंग पॉइंट में तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वथनांक का, तो ये जो होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर का अगर हम बात करते हैं, उसके अगर लंबाई से अनुपातिक की अगर बात करते हैं, तो उसका जो अनुपातिक होता है किसके साथ होता है। एक कंडक्टर का उसके लंबाई के साथ जो अनुपातिक होता है वो होता है प्रतिरोध का अनुपातिक होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता है वो क्या कहलाता है। तो दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वो हीट भी देता है, ठीक है, हीट प्लस यहाँ पे जो है आपका जो प्रकाश में इसकी लाइट, ये दोनों ये देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी एसिड के लिए जो कॉमन सा एलिमेंट है वो क्या है। सभी एसिड के लिए जो कॉमन सा एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा में कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसको कहते हैं मैकेनिकल ऊर्जा, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो होगा यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की, दो प्रकार की होगी, एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धातु में आयोडीन क्या होती है। तो धातु की अगर हम बात करते हैं आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की हम बात कर रहे हैं, आयोडीन एक सबसे चमकीला यहाँ पे अधातु है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपका हेलोजन ग्रुप में आता है आयोडीन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को, हेलोजन ग्रुप में भी आता है इस, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। इसको अगर शॉर्ट टर्म में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फकल बरी करके लोग बहुत सारे याद करते हैं टर्म को, जिसमें कि आपका आई से आयोडीन हो जाता है, ठीक, जो कि काफी चमकदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान जो वर्ग होता है, ठीक है, देखिए एक तो होता है ग्रुप होता है, और दूसरा होता है पीरियड, एक होता है ग्रुप एक होता है पीरियड। तो आपको यहाँ पे समझिएगा कि ग्रुप की संख्या जो होती है 18 होती है और पीरियड की संख्या 7 होती है। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट होता है, चीजें याद रखिएगा। तो जो सेम ग्रुप का होता है एलिमेंट का वो क्या होता है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो समान होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, अस्क्लेन काइमा जो टिश्यू होता है, ठीक है, में क्या पाई जाती है, आखिर वो क्या करता है, वो क्या करता है, कठोर कोशिका भित्ति उसमें पाई जाती है जिससे कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, ठीक है, अस्क्लेन काइमा। एक आता है यहाँ पे कॉलेन काइमा भी होता है, ठीक है ना, कॉलेन काइमा भी होता है, कॉलेन काइमा टिश्यू, ठीक है। तो ये कॉलन काइमा टिश्यू क्या करता है, ये आपको लचीलापन, ठीक है, पौधे के लचीलापन लचीलापन ये प्रदान करता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, एक तो अस्क्लेन काइमा से, दूसरा कॉलन काइमा से। तो कॉलन काइमा में जो क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वहीं अगर अस्क्लेन काइमा की बात करते हैं तो ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कोशिका कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है उसे क्या कहते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है एक कटिल कड़ी जटिल आवरण से कह सकते हैं, या जो उससे जो बनी होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं काइटिन, कवक में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि घनत्व का आपको पूछा गया है यहाँ पे, घनत्व का यहाँ से आपको पूछा गया इसका वैल्यू क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन, है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा, मीन्स की डेंसिटी बराबर क्या होगा यहाँ पे, पहले तो मास होगा और बट्टा वॉल्यूम होगा। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सौर सेल होता है, सौर पैनल होता है, उसमें क्या यूज किया जाता है। तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ठीक है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस धातुओं के समान होता है। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस धातुओं के समान होता है, वो क्षारीय होता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अघात वर्धनीय, ठीक है अघात वर्धनीय धातु क्या है। तो सोना, ठीक है सोना जो है कि अघात वर्धनीय है, मीन्स कि उसको पीट पीट कर उसको पतला चादर की तरह उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, जिसका हम इसका जो होता है सिंबल क्या होता है, AU होता है। ठीक है, इसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 79। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है। तो वेग को कहा जाता है, वेग का जो परिभाषा होता है डेफिनेशन होता है वो होता है विस्थापन की परिवर्तन की दर को कहा जाता है वेलोसिटी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। जो परमाणु से ऊर्जा प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, जैसे एल्युमिनियम, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक का जरूर आप, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम जो भी है इस सबसे आपका है पूरे 1 से 20 तक का आप उसे याद करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एल्युमिनियम का पूछा गया कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 3। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है 13 और इसी को बनाया गया 2 8 3, Ke वाले जो होते हैं सेल में, के में 2 एल में 8 और एम में 3, तो 8 2 2 3 13। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे वर्क की बात किया गया और एनर्जी की बात किया, दोनों का जो इकाई क्या होता है। अगर हम बात करते हैं वर्क, हम बात करते हैं एनर्जी, ठीक है इन दोनों का जो SI यूनिट होता है वो सेम होता है, इसका भी जूल होता है, ठीक है और इसका भी जूल होता है, इसलिए इसकी इकाई को क्या कहा जाता है, दोनों समान है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे स्नायु स्नायु बंध किसको जोड़ता है, मीन्स कि लिगामेंट, लिगामेंट किसको जोड़ता है। तो ये क्या करता है, हड्डियों को जोड़ता है। ठीक है, बोन टू बोन, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। ठीक है, एक होता है टेंडन होता है, एक होता है टेंडन जो कि मसल टू बोन होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे शरीर की हड्डियों में क्या पाया जाता है, मीन्स की जो हड्डी होता है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं बोन का, बोन की बात करें, अगर हम ब्लड की बात करें, ये दोनों में की बात करें तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसमें होता है मीन्स कि संयोजी ऊतक इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा हो, स्टार फिश हो, प्लेनेरिया जो होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो H2O, ठीक है H2O जल को कहते हैं, जिसमें कि आपका जो हाइड्रोजन का हो गया परमाणु संख्या 1 और 1 से अगर 2 में गुना करते तो 2 हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 और 8 का इसका परमाणु इसका जो द्रव्यमान है, तो परमाणु संख्या द्रव्यमान कितना होता है इसका, लगभग 16 होता है। तो 16 और इन दोनों को जब जोड़ते हैं आप क्या बन जाएगा, 16 और 2 18, मीन्स के 18 हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट है, द्विखंडन द्वारा क्या होता है, मीन्स की द्विखंडन जो प्रक्रिया होती है किसमें होता है, अमीबा में होता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में, ध्यान रखिए आधुनिक आवर्त सारणी को दिया किसने था, मोसले ने। ठीक है, मोसले ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था, मोसले ने दिया था, जिसमें कि 18 ग्रुप होता है और आपका 7 पीरियड होता है, ये जरूर याद रखिएगा। इसमें एक चीज पूछा गया कि कितने उपधातुएं होती है, उपधातुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो टोटल जो मेटालॉइड्स होते हैं, ठीक है एक तो मेटल होता है, दूसरा होता है मेटालॉइड्स होता है, ठीक है मेटालॉइड्स होता है, और एक होता है नॉन मेटल होता है। ठीक है, नॉन मेटल, तो इसी
कि संख्या पूछा है कि मेटलर्स की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 6 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि उत्प्लावन बल जिसको कहते हैं बियॉन्ड फोर्स का जो परिमाण होता है किस पर निर्भर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी उत्प्लावन बल होता है किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है उस पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक सोलर सेल किससे बना होता है। फिर से क्वेश्चन आया सोलर सेल का, जब भी सोलर सेल या सोलर की बात होगी वहाँ पे सिलिकॉन का ही यूज होता है उसमें, ठीक है। अब आते हैं ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो किस कहाँ से प्राप्त होता है ज़्यादातर, इसकी बात करेंगे टमाटर से ये प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बड़े परमाणु वाले तत्व से जो बंध बने होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी बड़े परमाणु का उसका जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। ओम का एक फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट, वी बराबर आई आर, ठीक है, वी इक्वल टू आई आर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल के अणु में क्या क्या होते हैं, तो C2H5OH होते हैं, इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आण्विक सूत्र, ये तो C2H5OH होता है। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, एच यहाँ से 5 और एक यहाँ से 6, टोटल 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस जो होता है जिनॉन, जिनॉन किस में रखा गया है, तो जो पीरियड होता है उसमें 5 मीन्स की 5वां आवर्त में इसको रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी, ठीक है, परमाणु बल के सिद्धांत की खोज की थी हेडकी हुवाको ने, ठीक है। चलिए कुछ स्पेलिंग होगा तो आप नेट से गूगल से सर्च करके अपना स्पेलिंग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी लवण का जो रासायनिक नाम है, जो चीनी लवण है उसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, उसका रासायनिक नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अब इसका उपयोग किस लिए होता है, जब आप वेजिटेबल बनाते कोई सब्जी बनाते तैयार करते उसमें इसको डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है, डाल्टन का जो सिद्धांत आधारित था वो तो रासायनिक संयोजन नियम पर, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाल्टन पे ये क्वेश्चन आते रहते हैं कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट है कि थैलोफाइट समूह के जो पौधे होते हैं समानते उसको क्या कहा जाता है, जितने भी थैलोफाइट के समूह के जो पौधे होते हैं उनको कॉमनली कहा जाता है सैवाल, ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजन, अब यहाँ पे आते हैं वेट की बात करते हैं, यहाँ पे वेट की बात हो रहा है और दूसरा यहाँ पे फोर्स की बात हो रहा है, दोनों का जो इकाई होता है ये दोनों का इकाई होता है न्यूटन, ठीक है, फोर्स का भी न्यूटन और वेट का भी न्यूटन, और इसका जो यहाँ पे जो उसका बीमे सूत्र होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है सेम ही होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दृढ़ उत्तक किससे बना होता है ना, दृढ़ उत्तक जो बना होता है वो निर्जीव कोशिका से बना होता है, मीन्स कि डेड सेल से बना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अनबुझे चूने का आण्विक सूत्र क्या है, अनबुझे चूना मीन्स जो चूना जो होता है बुझा है वो एक चूना होता है, एक बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसको कहते हैं CaO कहते हैं, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जब इसमें जब जल मिल जाता है तब क्या होता है, वो बुझा हुआ चूना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन, बेंजीन C6H6 की बात कर रहे हैं, बेंजीन क्या है, तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते सवाल पे, विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंथेनॉइड, देखिए लैंथेनम लिखा हुआ है ऐसे होता है क्या, लैंथेनॉइड होता है, एक होता है एक्टिनॉइड, आप अपने बुक में भी कहीं भी देख लीजिएगा, जिसका वैल्यू होता है 71 से लेकर यहाँ पे होगा 57 से लेकर 71 होगा, और इसका होगा 89 से लेकर 103, दोनों की संख्या कितनी होती है, दोनों की संख्या होती है 15 15 होती है, ठीक, इसकी भी 15 और इसकी भी 15 होती है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या पूछा था, लैंथेनॉइड की परमाणु संख्या जहाँ से स्टार्ट हो तो उसको 57 कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है, तो देखिए अगर हम बात करें साउंड का, साउंड की बात करें तो साउंड किसके कारण उत्पन्न होता है, ये कंपन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जो अच्छा इस कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये कैसा तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स वेव है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि पानी का बर्फ में परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, तो कई बार एग्जाम में आता है ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अब आते हैं अवतल लेंस का उपयोग के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मायोपिया जो होता है क्या होता है, उसमें यहाँ पे निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसमें
किस लेंस की यूज करते हैं? अवतल लेंस का यूज करते हैं। और मायोपिया में होता क्या, निकटदृष्टि दोष हो जाता है, जिसके कारण हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, एक दूर दृष्टि दोष होगा जिसमें कि आप उत्तल लेंस का यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं घनत्व। ठीक है, तो अभी घनत्व का यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था, यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास वाई वॉल्यूम, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, ब्लड क्या है? अभी मैंने बताया था कि चाहे वो बोन हो या फिर आपका जो बोन हो गया यहाँ पे, या फिर लिगामेंट हो गया, या फिर आपका यहाँ पे ब्लड हो गया, ये सभी क्या है? ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, ये सभी क्या है? सभी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, सभी क्या है, संयोजी ऊतक है। अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है? तो इसको कहते हैं बुझे हुए चूने को, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब आते हैं सवाल नंबर 49 पे कि Au सबसे अधिक तन्य धातु है। ठीक है, Au को तो ऐसे क्या यहाँ पे कहा जाता है, गोल्ड इसको कहते हैं, इसकी परमाणु संख्या होती कितनी है, 79। ठीक है, और ये तन है कि मीन्स कि इसको पीट कर चादर की तरह बनाया जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, पतला से पतला चादर की तरह इसको बनाया जा सकता है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातु में विद्युत की क्या होती है? जितने भी धातु होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, मीन्स कि उसमें करंट क्या हो सकता है, वो उसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए तो गाइज यहाँ पे कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना। हाँ, जितने भी इसके पहले के वीडियो होंगे उन सभी वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके सारे बाकी वीडियो भी देख सकते हैं जो कि आपके हेल्पफुल होंगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकेंगे। गाइज इस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।